हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ NCRTC के बारे में। और इसका जो है सो स्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन ऑपरेटर या ट्रैफिक कंट्रोलर करके एक पोस्ट होता है, जिसमें आपको साइको टेस्ट होता है। तो आपको पता है कि इसका रिटन एग्ज़ाम हुआ था, इसका रिजल्ट आया था, और जितने लोगों को साइको का कॉल आया था उन सभी का नाम भी आ चुका था। अब जो है सो आप सभी का एडमिट कार्ड आ गया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता चल चुका होगा और आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। अगर आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोगों को मेल गया होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं आया है, आप सभी को पर्सनली मेल किया गया है। तो अपना मेल चेक करो और वहाँ पे आपको अपना एडमिट कार्ड का डाउनलोड लिंक दिया गया होगा, वहाँ से आप लोग अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करो। इस वीडियो को आप लोगों को अच्छे से देखना है, लास्ट तक देखना है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो NCRTC साइको टेस्ट का प्रिपरेशन अनलिमिटेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं और उनका कुछ डिमांड है कि सर थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन के बारे में क्लियर कर दीजिए कि ये जो 77 मिनट दिया हुआ है तो किस तरह से टाइम अलॉटमेंट होगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर आई सर्टिफिकेट का परफॉर्मा कहाँ से लाएं, क्या आई सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। कुछ लोगों का कन्फ्यूजन है कि सर पेपर का पैटर्न कैसा होगा, क्योंकि कहीं कहीं पे बोला जा रहा है कि 11 तरह के बैटरीज आने वाले हैं एग्ज़ाम में। कुछ लोगों का कन्फ्यूजन है कि सर सिलेबस कैसा होगा, क्योंकि आपने तो 5 तरह का टेस्ट पढ़ाया है और एक मशीन टेस्ट, लेकिन कहीं कहीं पे बोला जा रहा है कि साइको का सिलेबस चेंज हो गया है, 11 तरह का आएगा। कुछ लोगों का कहना है कि थोड़ा सा सर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता दीजिए, क्योंकि 18 तारीख को एग्ज़ाम है, टाइम कम है, प्रैक्टिस कैसे करें कि आसानी से सिलेक्शन हो जाए। आप सभी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना है और जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन बोला जाए सिर्फ उसको फॉलो करो, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले इस तरह का आपका एडमिट कार्ड आएगा, इनका नाम जो भी है, नाम, फादर का नाम, रोल नंबर, DOB, और आपका सेंटर कहाँ पे होगा, ये सारा चीज़, किस डेट को एग्ज़ाम है ना, ये सारा चीज़ आपको इस तरह से है। उसके बाद जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है। तो सबसे पहले मैं कुछ क्लियर कर देता हूँ, आपको कुछ भी लेकर के नहीं जाना है, मतलब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कुछ लेकर के नहीं जाना है। और आप लोग जो है सो अपना एक ओरिजिनल ID लेके जाना, ठीक है ना, कुछ भी आधार कार्ड वगैरह जो भी है आपका, पैन कार्ड वगैरह ओरिजिनल लेकर के जाना, फोटो कॉपी नहीं। और उसके बाद जो है सो यहाँ पे साफ साफ एक चीज़ लिखा हुआ है कि आपका जो है सो एक मॉक टेस्ट लिंक जो है ना वो NCRTC के वेबसाइट पे आएगा। तो अभी तक आया नहीं है, आप लोग इसका वेट करो। अगर NCRTC के वेबसाइट पे मॉक लिंक आ जाता है और उसमें जो जो टाइप आपका दिया हुआ रहेगा वही टाइप आपके एग्ज़ाम में आएगा। इतना क्लियर हुआ। दूसरी बात कि आप लोग जो 11 बैटरी बोलते हो ना, उसका सिर्फ प्रेस रिलीज हुआ है। प्रेस रिलीज करना आसान काम है, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पे ला के इम्प्लीमेंट करना प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल है, तो इतना जल्दी नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले आपका नॉर्दर्न रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था, अभी कुछ दिन पहले आपका जो है सो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है, कुछ दिन में आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे का और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है। तो सब जगह ओल्ड सिलेबस ही पूछा जा रहा है, जो आपका 5 बैटरी है ना वही पूछा जा रहा है। 11 बैटरी क्या है ये अभी तक RSDO ने भी क्लियर नहीं किया है। सिर्फ टाइटल देने से नहीं होता है, उस बैटरी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ऐसा अभी तक कहीं नहीं आया है। तो आपका 100% चांस है कि जो 5 तरह का बैटरी मैंने बताया है, एक आपका मेमोरी टेस्ट, एक आपका फिगर एम्बेडेड टेस्ट है ना, एक आपका फिगर एसोसिएशन टेस्ट, एक आपका ऑब्जर्वेशन टेस्ट, एक आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, ये 5 टेस्ट आपका आएगा। 77 मिनट का एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है और उसके बाद एक होगा आपका मशीन टेस्ट, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आई सर्टिफिकेट के बारे में बता देता हूँ, है ना। यहाँ पे देखो अच्छे से, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि ओनली ई कॉल लेटर ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट एंड फोटो आईडी कार्ड इन ओरिजिनल विल बी अलाउड इनसाइड द टेस्ट हॉल। तो आईडी कार्ड के बारे में मैंने बता दिया, एडमिट कार्ड के बारे में आपको पता ही है, एक है आपका ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट। और एक बात जान जाओ,
जितना भी साइको का एग्ज़ाम होता है ना पूरे इंडिया में, चाहे ALP का हो, चाहे स्टेशन मास्टर का हो, चाहे DFCCIL का हो, चाहे कोई सा भी मेट्रो एग्ज़ाम का हो या आपका NCERTC का हो, ये रूल है, साइको टेस्ट में A1 मेडिकल होता है और उसके लिए आपको विजन सर्टिफिकेट चाहिए और वो आपको ले करके जाना है तो आप साइको टेस्ट दे पाओगे। अगर आप वो लेकर के नहीं जाओगे तो आपको साइको टेस्ट में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा, है ना। और यहाँ पे भी एक चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे अच्छे से देखो कि ये आपका A1 स्टैंडर्ड का, ये मेडिकल स्टैंडर्ड का ये पोस्ट है, है ना। इस पोस्ट में आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा वो A1 टाइप का होगा और इसका जो है सो विजन आपका बोथ आई में 6x6 का होना चाहिए। तो कोई सा भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट में भी जिसके पास जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दे सकता है उससे आपको क्या करना है, आई सर्टिफिकेट बनवाना है। प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, वो कंपाउंडर वगैरह को 100-200 दोगे और वो आपको बनवा देगा, अपने डॉक्टर से सिग्नेचर करवा देगा, है ना। और नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, वो नॉर्मल जो आपका हल्का फुल्का रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह होता है फॉर्म फिलअप का वो करो और आपका जो है सो काफ़ी कम प्राइस में 1-2 घंटा के अंदर ही बन के आ जाएगा, कुछ होता नहीं है उसमें। आपको थोड़ा सा आँख को वो चेक करेगा और उसके बाद वो आपको साइन करके दे देगा, ठीक है, और वो आपको लेकर के जाना है। फॉर्मेट जो है सो इसका इस तरह का होगा, जैसे कि मान करके चलो आपका, जैसे कि ये रेलवे का है, आपका NTPC का फॉर्मेट है, मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ। इसको आप टाइप भी करवा सकते हो, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इसको आप टाइप भी करवा सकते हो इस तरह से कि परफॉर्मा फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेंड फ्रॉम एन आई स्पेशलिस्ट बाई कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, ये स्टेशन मास्टर है क्योंकि ये NTPC का नोटिफिकेशन पे है, है ना। तो यहाँ पर सिंपली स्टेशन कंट्रोलर अगर कर दोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग टाइप करवा लेना ऐसा फॉर्मेट, या आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, या कमेंट करना, अगर ऐसा होगा तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। इसमें बस आपका यहाँ पे नाम रहेगा, अपना फ़ोटो चिपका लेना और यहाँ पे डॉक्टर आपका सही का टिक कर देगा, यहाँ पे आपका स्टेशन कंट्रोलर लिखा रहेगा और ये आपका आई स्पेशलिस्ट का सिग्नेचर और उसका नाम और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, बस इसको आपको लेकर के जाना है, एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है और आपका एक ID प्रूफ ओरिजिनल लेकर के जाना है, क्लियर है। मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी है आपको लेकर के जाना। चलो अब इसके आगे बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख लो अच्छे से, यहाँ पे रफ सीट विल नॉट बी प्रोवाइडेड, पेन विल बी प्रोवाइडेड ओनली फॉर राइटिंग डिक्लेरेशन एंड टू साइन ऑन द ई-कॉल लेटर। सिर्फ आपको डिक्लेरेशन लिखने के लिए और साइन करने के लिए पेन दिया जाएगा, रफ सीट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद शायद पेन भी आपसे ले लिया जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। अब सिलेबस के बारे में भी मैंने मोटा मोटी बता दिया कि वो 5 तरह का टेस्ट होता है जो आपका आने वाला है, और थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बता देता हूँ, थोड़ा सा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता देता हूँ, और अगर किसी के मन में कोई कन्फ्यूजन होता है ना तो इस वीडियो में कमेंट कर देना, आपका जो है सो कमेंट को लेकर के मैं किसी और वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। वैसे भी जब NCERTC के वेबसाइट पर ऑफिशियल मॉक लिंक एक्टिव होगा ना तो मैं एक लेक्चर फिर से बनाऊँगा। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रिपेरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। तो देखो साइको टेस्ट का प्रिपेरेशन आपको काफ़ी अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है, आपने आप लोग देख लेना, ये लेक्चर LMRC UPMRC SCTO, ये भी है ना स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर का पोस्ट सक्सेस स्टोरी। इसमें आप अगर अच्छे से देखोगे ना, ये इसको मैं फ्री कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, तो आप क्या करना ना, आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि 1489 बच्चे साइको टेस्ट दिए थे और उसमें से आपका 1003 बच्चा साइको टेस्ट फेल कर गया था, है ना। तो इससे क्या होता है, साइको टेस्ट में लगभग 75-80% बच्चा फेल करता है, तो साइको टेस्ट को थोड़ा सा सीरियसली लो, नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन मत करना, क्योंकि सिंपल सी बात है जो फेल किए हैं वो अपने आप को ग्रेट समझते होंगे। अगर आप अच्छे से प्रिपेरेशन करोगे ना, आप सजेशन को फॉलो करोगे ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। इस लेक्चर को आप लोग देख लेना यहाँ पर या यूट्यूब पर ही, आपको सब कुछ क्लियर कट समझ में आ जाएगा। जितने बच्चे यहाँ पर आए अनलिमिटेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, सीरियसली
पर है, मैंने सबका नाम के साथ किस डेट को आए, कब कोर्स परचेज किए, उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, सब कुछ इसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको ऐप का लिंक मिलेगा, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको इस तरह से एक कोर्स दिखेगा, NCERTCSCTO साइको टेस्ट कम्प्लीट कोर्स, इस कोर्स को आपको ले लेना है और अच्छे से चुपचाप प्रिपेरेशन करना है। साइको टेस्ट के प्रिपेरेशन के लिए 7 दिन 6 दिन काफ़ी होता है, बस आपको अच्छे से करना है। स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ये मत सोचना है कि स्टूडेंट नहीं है, और जो स्टूडेंट यहाँ पे हैं और पढ़ रहे हैं वो समझ लो अगर सीरियसली फॉलो कर रहे होंगे तो सभी का सिलेक्शन फिक्स है। 8 गुना का कॉल होता है, नंबर ऑफ सीट काफ़ी कम है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। मेन आपको पास करने पे फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे 5 तरह का टेस्ट होता है ना, तो 5 तरह से आप फेल कर सकते हो। अगर आप 4 सेक्शन में काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे और 5वां सेक्शन में फेल कर जाओगे तो आप साइको फेल कर जाओगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप 5ों सेक्शन पास कर जाओगे फिर ओवरऑल का कट ऑफ अगर पार नहीं करोगे तो वहाँ पे साइको फेल कर जाओगे। कभी कभी कुछ लोग मशीन टेस्ट में भी फेल हो जाते हैं, वैसे मशीन टेस्ट में फेल नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी रेयर केस में मशीन टेस्ट में भी फेल हो जाते हैं। तो आपको मशीन टेस्ट का भी प्रैक्टिस करना है। जब आप ये कोर्स लोगे ना तो आपको मशीन टेस्ट का सॉफ्टवेयर मिलेगा, मैं पे सब कुछ दिखाता हूँ। एक आपको मैं यहाँ पे आईडी पासवर्ड दूंगा, यहाँ पे देखो मशीन टेस्ट लिखा हुआ है, तो इसको आपको क्लिक करना है तो आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ पे आकर के आपको मशीन टेस्ट का प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे कुछ टेस्ट सीरीज मैंने डाला हुआ है, तो यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट मैंने डाला हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये सारा का सारा पर्सनैलिटी टेस्ट को ख़त्म करना है। दोनों लैंग्वेज में है, सर्वर काफ़ी फास्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका ये सेक्शन कंप्लीट है ना। उसके बाद आपको मैं ये टेस्ट दूंगा, यहाँ पे आपको मशीन टेस्ट है और एक आईडी पासवर्ड दूंगा। इस आईडी पासवर्ड से जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना, आपको पूरा का पूरा फुल टेस्ट मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आईडी पासवर्ड दूंगा तो आप इसको लॉगिन करोगे इस तरह से, तो आपको इस तरह से 20 टेस्ट मिलेगा। इसको आपको क्या करना है, दे देना है, लगा लेना है। अटेम्प्ट अनलिमिटेड है, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बस आपको अच्छे से करना है। यहाँ पे देखो एम्बेडेड फिगर टेस्ट, फिगर एसोसिएशन टेस्ट, मेमोरी टेस्ट, ऑब्जर्वेशन टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। 20 टेस्ट है, ये ऑनलाइन है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा प्रिपेरेशन करने का मन है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे सारा का सारा वीडियो लेक्चर्स जो भी है वो देख लेना है अच्छे से, और उसके बाद यहाँ पे ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए भी मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फाइल वगैरह दिया हुआ है, तो आपको मन है तो ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ से ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है। और एक और मैं आपको दूंगा मशीन टेस्ट वेबसाइट का लिंक, आपके चैट सेक्शन में आपको मैसेज चला जाता है, यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। इस तरह से आता है आपका, इस तरह से जब यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से स्टार्ट होगा। ये मशीन टेस्ट है, काफ़ी कॉस्टली सॉफ्टवेयर होता है, तो जैसे मैं एल किया उसके बाद बी, मान लो ये ब्लू है तो बी, फिर एल किया तो ये चेंज हो गया फिर से ब्लू, फिर आपको एल से चेंज, फिर आपका वाई से येल्लो, फिर आपका एल से चेंज, फिर आपका बी से ब्लू, फिर आपका एल से चेंज, आर से रेड, फिर आपका एल से चेंज, वाई से आपका येल्लो। इस तरह से करोगे तो आपका जो है सो टाइम ख़त्म होने के बाद यहाँ पे अच्छे से करेक्ट इनकरेक्ट सब कुछ बता देगा। और यहाँ पे है आपका जो भी है चैनल वगैरह का लिंक, ठीक है। तो यहाँ से आपको मशीन टेस्ट का प्रैक्टिस अच्छे से करना है। कभी कभी क्या होता है, 3 कलर का आता है मशीन टेस्ट, कभी कभी क्या होता है 4 तरह का आता है मशीन टेस्ट। तो यहाँ पे 4 तरह का मैंने डाला हुआ है और यहाँ पे 3 तरह का मैंने डाला हुआ है, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कोई सा भी आए, अगर आप प्रिपेरेशन अच्छे से करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, सिंपल सी बात है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जो आपको कंप्लीट प्रिपेरेशन करवाता है, मतलब वीडियो लेक्चर्स दे रहा है समझाने के लिए, ऑनलाइन फुल टेस्ट दे रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। यूट्यूब चैनल पे जो भी आपका डाउट वगैरह है उसको क्लियर कर देता है। उसके बाद आपको एक टेलीग्राम ग्रुप दिया जाता है जहाँ पे आप लोगों से अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आपस में डिस्कशन कर सकते हो। मशीन टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए 2-2 वेबसाइट मैं आपको दे रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर और एक वेबसाइट। ऑफलाइन प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारा PDF वगैरह दे रहा हूँ, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ अवेलेबल है, आपको बस अच्छे से प्रिपेरेशन करना है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एक और चीज़, NCERTC साइको टेस्ट अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो सबसे पहले अनलिमिटेड एजुकेशन का ही आ जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूँ,
कि ये वेरीफाइड चैनल है। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, ये वेरीफाइड चैनल है, मतलब यूट्यूब के तरफ से वेरीफाइड चैनल। ये देखो सही का टिक, वेरीफाइड चैनल का मतलब होता है मोस्ट जेन्युइन चैनल, है ना, जो इधर उधर कभी कॉपीराइट का क्लेम वगैरह कुछ नहीं आता है और काफ़ी लोग एक्टिव रहते हैं, काफ़ी लोग सीरियसली फॉलो वगैरह करते हैं। तो ये सब पे ये वेरीफिकेशन का ये दिया जाता है यूट्यूब की तरफ से, और ये टॉप पर आता है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सिंपल सी बात है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ आपको और बता देता हूँ टाइम ड्यूरेशन के बारे में। वैसे तो मैंने सब कुछ क्लियर कट बताया हुआ है, लेकिन फिर भी देख लो। सबसे पहले जैसे कि आपका मान लो मेमोरी टेस्ट आएगा, मेमोरी टेस्ट पांच तरह का टेस्ट आपका आएगा। एक मेमोरी टेस्ट आएगा, एक आपका मान लो एम्बेडेड फिगर टेस्ट बोलते हैं, एम्बेडेड फिगर टेस्ट है ना, एक आपका फिगर एसोसिएशन बोलो या फिगर फॉर्मेशन बोलो, तो आपका एक ये आ जाएगा। उसके बाद एक आपका ऑब्जर्वेशन टेस्ट आएगा, ऑब्जर्वेशन टेस्ट में भी काफ़ी बच्चे फेल करते हैं, और पर्सनालिटी टेस्ट सभी को आसान लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे पर्सनालिटी टेस्ट में फेल करते हैं, इसको याद रखना, क्योंकि इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट होता है। तो आपको ना अपर लिमिट से अबव जाना है और ना ही लोअर लिमिट से बिलो जाना है, आपको दोनों के बीच में रहना है। पर्सनालिटी टेस्ट का लेक्चर देख लेना, मैंने वहाँ पर अच्छे से बताया हुआ है, सब कुछ आपके कोर्स में मिलेगा। और आपको इंस्ट्रक्शन टाइम मिलेगा पाँच मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम मिलेगा। उसके बाद 10 मिनट का आपका मिलेगा मेमोरी टेस्ट, इसमें दो सेक्शन होता है, तो 5-5 मिनट हुआ दो सेक्शन का, तो इसमें भी 2.5 मतलब ढाई ढाई मिनट मतलब ढाई मिनट में आप मेमोरी पेज को याद करो, फिर ढाई मिनट में आप सॉल्व करो, तो ये हो गया आपका सेट वन। और फिर आप ढाई मिनट में दूसरा मेमोरी पेज को याद करो और ढाई मिनट में सॉल्व करो, तो ये हो गया आपका सेट टू। तो आपका 10 मिनट, तो ये 10 मिनट आपका हुआ, 5 मिनट इंस्ट्रक्शन और 10 मिनट ये। उसके बाद 1 मिनट का आपका रिलैक्सेशन टाइम, ब्रेक टाइम, फिर आपका 10 मिनट का आपका फिगर एम्बेडेड टेस्ट, उसके लिए 5 मिनट का आपका इंस्ट्रक्शन, फिर 10 मिनट का आपका टेस्ट, फिर आपका 1 मिनट का रिलैक्सेशन टाइम, फिर आपका 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम, फिर आपका 10 मिनट का आपका फिगर फॉर्मेशन का टेस्ट, फिर आपका 1 मिनट का क्या बोलते हैं उसको रिलैक्सेशन टाइम या ब्रेक टाइम, फिर आपका 5 मिनट का ऑब्जर्वेशन टेस्ट का इंस्ट्रक्शन टाइम, फिर आपका 5 मिनट का ऑब्जर्वेशन टेस्ट में 5 ही मिनट मिलेगा, 30 क्वेश्चन आपका रहेगा, 5 मिनट का आपका टेस्ट, और फिर आपका 1 मिनट का रिलैक्सेशन टाइम। उसके बाद आपका जो है सो फिर 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम, फिर आपका यहाँ पे 12 मिनट का पर्सनैलिटी टेस्ट, और फिर आपका 1 मिनट का शायद फीडबैक वगैरह। मतलब यहाँ पे 5 तरह का है ना, तो 5 तरह का 5 बार इंस्ट्रक्शन टाइम, 5-5 मिनट का, तो आपका 25 मिनट ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका मेमोरी टेस्ट 10 मिनट का, एम्बेडेड फिगर टेस्ट 10 मिनट का 20 मिनट, फिगर फॉर्मेशन 10 मिनट का 30 मिनट, ऑब्जर्वेशन 5 मिनट का 35 मिनट, और पर्सनैलिटी 12 मिनट का, तो आपको 47 मिनट का मेन एग्जाम टाइम मिलेगा। तो आप ये करोगे तो 40, 50, 60, 72 मिनट है ना, और 5 बार रिलैक्सेशन टाइम, एक बार इसके बाद और एक बार इसके बाद फीडबैक कह सकते हो या रिलैक्सेशन टाइम कह सकते हो, तो 5 मिनट ये, तो आपको ये 77 मिनट मिलेगा। हो सकता है वो टाइम ड्यूरेशन प्लस माइनस करे, लेकिन स्टैंडर्ड यही है आपका टाइम ड्यूरेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ मैंने बता दिया है, कहाँ से पढ़ना है ना, आई सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्लियर कर दिया, पेपर पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, टाइम ड्यूरेशन सब कुछ मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग इसी लेक्चर में कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन में जाके उसका जो है सो आपका मैं अगले लेक्चर में ले लूँगा वो कमेंट। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जैसे ही आएगा ना मॉक लिंक एक्टिव होगा जैसे ही, उसका भी लेक्चर में बनाऊँगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि फाइनल एग्जाम में आपका कौन सा सेक्शन आने वाला है। तो फटाफट अगर आप लोग अभी तक अनलिमिटेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म से साइको का प्रिपरेशन नहीं करना स्टार्ट किए हो ना बाबू लोग, तो स्टार्ट करना शुरू करो, सबसे बेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है ये साइको का, ठीक है ना। चलो बाय, थैंक यू।